तो दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं मैं आज प्लाईवुड कैसे बनाया जाता है। प्लाईवुड बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है जंगलों से, उसके बाद इस मशीन में लकड़ियों के टुकड़े किए जाते हैं और जो जंगलों से लेके आने के बाद इसे साफ़ किया जाता है इस मशीन के द्वारा। इस मशीन का कॉस्ट है 5 लाख रुपया और इस मशीन को ख़रीद के आप भी इस तरह से सफाई कर सकते हैं लकड़ियों को। उसके बाद ये पिलर मशीन में लाया जाता है। इस पिलर मशीन का कॉस्ट है 8 लाख रुपया और उसके बाद कटिंग करने के बाद काट के टुकड़े को लकड़ियों को एक हीटिंग चैम्बर का द्वारा प्रेस किया जाता है और उसे थोड़े दिन में हीटिंग चैम्बर में रखा जाता है। उसके बाद इस मशीन के द्वारा उसे काटा जाता है और ये है फिंगर कटिंग मशीन। इसका कॉस्ट है 2 लाख रुपया। तो इसका थ्रू ये आपका फिंगर कटिंग कर देता है और उसे ज्वाइन किया जाता है हीट प्रेसिंग मशीन के द्वारा। उसके बाद इसे कनेक्ट किया जाता है दूसरे के साथ। उसके बाद आपका नीचे में उसे जो टुकड़ा मतलब काट का टुकड़ा होता है जो पहले टुकड़ा किया गया था वो काट के टुकड़े को लकड़ी के टुकड़े को उसमें जमा किया जाता है, एक मतलब अच्छा से सजाया जाता है ताकि इसे इसके इसका मजबूती बना रहे। उसके बाद लकड़ियों के टुकड़े को अच्छा से काट दिया जाता है और उसके बाद इसमें गम लगाया जाता है। तो इसे गम एक मशीन के द्वारा ये गमिंग मशीन है, ये मशीन के द्वारा शीट्स को गमिंग किया जाता है और उसके बाद इसे एक एक करके लकड़ियों के टुकड़े के ऊपर लगाया जाता है ताकि बनाया हुआ प्लाईबोर्ड में स्ट्रेंथ बना रहे। इस तरह से एक एक करके लगाया जाता है। उसके बाद जो लकड़ियों के टुकड़े को प्लेट बनाया जाता था उसे इसमें चिपकाया जाता है। ये बिजनेस काफ़ी अच्छा अर्निंग देता है और आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको कम से कम 7 से 10 आदमी की ज़रूरत होगी। अभी इसका ऊपर शीट को लगाया जाता है, उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के द्वारा इसे हाइड्रोलिक प्रेस किया जाता है जिसका कॉस्ट कम से कम 5 लाख रुपया होगा। इसे आप ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा सीट्स है वो बाहर निकाला हुआ सीट्स को ये मशीन के द्वारा काटा जाता है और आपका प्लाईबोर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें कलर किया जाता है, साइजेस लिखा जाता है, फेविकोल दिया जाता है। फेविकोल देने के बाद उसमें आपका सनमाइका जो होता है सनमाइका लगाया जाता है ताकि इसका स्ट्रेंथ और अच्छे से बना रहे और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा हो। और आप बिना सनमाइका का भी ये बिना सनमाइका लगाया हुआ भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, इसे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट में सेल कर सकते हैं ये सनमाइका लगाने के बाद। उसके बाद फिनिशिंग एज का फिनिशिंग दिया जाता है और इसे तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको अगर बिजनेस करना है बहुत ही अच्छा से यूनिक बिजनेस करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक बिजनेस लाते रहूं और आप लोग बहुत आगे बढ़ें, बहुत पैसा कमाएं मेरे इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो। धन्यवाद।